Hey guys, I am Uttam Bala and again welcome to Bala Bali's world with another wonderful session that is pituitary disorder, right? तो बच्चों अपने body में जो pituitary gland है ना, इसको mustard gland भी बोला जाता है, mustard gland, right? Pituitary gland also called mustard gland. Why it is called mustard gland? Because pituitary gland control rest of the gland present in our body. ठीक, तो ये pituitary gland से क्या होता है, बहुत सारा hormone क्या होता है अपना body में release होता है, जिसके वजह से अपना body क्या होता है normal functioning करते हैं. तो देखते हैं कि pituitary जो gland है ये कौन सा hormone का deficiency में क्या disease होता है, और कोई hormone अगर excess release कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर एक डिजीज देखेंगे जिसका नाम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. आपको पता है ड्वार्फिज्म मतलब क्या है, जो मतलब जिसका ग्रोथ ठीक ठाक नहीं होता, नॉर्मल ग्रोथ जिसका नहीं होता, जो जिसका हाइट क्या रहता है, शॉर्ट हाइट क्या रहता है बताइए, शॉर्ट हाइट रहता है. ठीक है, अब ये क्यों होता है ये हमारा मुद्दा है. ठीक, तो यहां पर आपको जानना है कि देखिए यहां पर मैं पहले पिट्यूटरी ग्लैंड बना था आपके लिए, उसके बाद डिस्कस करते. देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर ये क्या है, उससे पहले दो बेसिक आइडिया तो आपको क्लियर होना चाहिए. ये हो गया अपना कौन सा बेटा बताइए, ये हो गया अपना थैलामस. ठीक है, जो फोर ब्रेन का डाइसेफलन में प्रेजेंट रहता है थैलामस. ठीक है, और थैलामस का हाँ यहां पर लिख ही देता हूं, ये कौन है थैलामस, थैलामस राइट. और थैलामस जो है इसका जस्ट बैक साइड से राइट यहां से स्टार्ट होता है एक जबरदस्त ग्लैंड, इसका भी ये भी प्रेजेंट रहता है कहां पर बताइए, अपना फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है. और ये थैलामस का बीच में से यहां पर एक्चुअली यहां से जाता है अपना रन होता है अपना थर्ड वेंट्रिकल. ठीक, तो ये जा रहा है अपना थर्ड वेंट्रिकल. ठीक, ये थर्ड वेंट्रिकल राइट, ये जो है ये एक्चुअली और थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल के दो साइड में ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है हाइपोथैलेमस राइट बेटा, इसका नाम हाइपोथैलेमस. ठीक, एंड हाइपोथैलेमस हैव टू वेरी वेरी स्पेशल एरिया. एक्चुअली hypothalamus have lots of special area. This area is called, this particular area of hypothalamus is called the mammillary body. क्या बोलेंगे बेटा, ये जो particular area यहाँ पर देखा है आपको, इसका नाम क्या है, mammillary body. ठीक है, और mammillary body के अलावा hypothalamus के नीचे यहाँ पर और एक swallowated area रहता है जिसका नाम होता है tuber cinereum. ठीक, तो ये जो पार्ट है इसका नाम है मैमिलरी बॉडी, और ये जो पार्ट है इसका नाम है ट्यूबर साइनेरियम. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं. ठीक है, ये तो आपको पता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जब आपको मैंने पढ़ाया तो ये मैंने डिस्कस किया डिटेल्स में. ठीक, तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस में क्या है, ये पूरा थर्ड वेंट्रिकल का दो साइड से शीट है, और दूसरा बात यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मैमिलरी बॉडी, और हाइपोथैलेमस का बीच में से गया थर्ड वेंट्रिकल, और ये थैलेमस का बेस में से हाइपोथैलेमस बना. अब देखिए यहाँ पर जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द मस्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड राइट बेटा. ये जो ग्लैंड यहां पर बनाया इसको क्या बोलेंगे, द पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्चुअली द मस्टर ग्लैंड.
ठीक है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का दो लोब है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी द लार्जर लोब, एंड स्मॉल लोब इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हैंग कर रहा है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से जो जुड़ा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअली इसको बोलेंगे पिट्यूटरी स्टॉक या तो इनफंडिबुलम, इन फंडिबुलम, ठीक है बेटा। ये आइडिया मैं आपको पहले ही क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका रिगार्डिंग, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिगार्डिंग ही डिजीज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और स्ट्रक्चर रहता है, ये जगह पे एक और स्ट्रक्चर रहता है जस्ट बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जहां पर मतलब एंड हो रहा है, ये जगह पे एक स्ट्रक्चर रहता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम एक्चुअली ऑप्टिक कायाज्मा, क्या नाम है बेटा इसका नाम, इसका नाम है ऑप्टिक कायाज्मा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ऑप्टिक कायाज्मा, ठीक। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, आगे का मतलब जो सेशन है उसमें बताएंगे, तो आप याद रखना कि जहां पर हाइपोथैलेमस एंड हुआ, ठीक है, वहाँ क्या मतलब प्रेजेंट रहता है बताइए, ऑप्टिक कायाज्मा। और ऑप्टिक कायाज्मा जो जगह पे जाके एक्चुअली मतलब एंड होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज योर ब्यूटीफुल आई, ठीक है, ये हो गया आपका आई, ई वाई ई, ठीक है। तो ऑप्टिक कायाज्मा से दो ऑप्टिक नर्व, देखिए दो साइड में, दो आई में क्या हुआ, रिलीज होके गया, ठीक है। तो ये जो नर्व है इसका नाम क्या है बताइए, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, और ये भी क्या है, आई है, आई, राइट। तो क्या होता है, अब देखिए यहां पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा क्या हो गया बेटा, आपका पोजीशन समझ में आ गया कि वेयर इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन एंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, ये पार्ट जो है ये हाइपोथैलेमस, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज लॉट्स ऑफ हार्मोन, उसी में से एक हार्मोन क्या है जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन, क्या नाम है बेटा, बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पर उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज होता है बताइए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, कहां से रिलीज होता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो यहां से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लोब बताइए, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां से रिलीज कर दिया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, अपना बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड लॉट्स ऑफ थिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर नेग्लिजिबल सेक्रेशन हुआ, ठीक है, नेग्लिजिबल सेक्रेशन, नेग्लिजिबल सेक्रेशन, ठीक है, तो अगर नेग्लिजिबल सेक्रेशन हुआ या ना के बराबर सेक्रेशन हुआ या एबनॉर्मल मतलब लो सेक्रेशन हुआ, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या अपना बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा बेटा, नहीं होगा, ठीक है, जिसके वजह से अपना हाइट क्या हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट, क्या हो जाएगा बेटा बताइए, अपना हाइट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या बताइए, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट, ठीक है। तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में जो जो पेशेंट पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म से सफर करता है उसका हाइट नियर अबाउट 3 फीट के आसपास होता है, ठीक है, 3 फीट। और दूसरा ये तो पता चल गया कि नेग्लिजिबल और वेरी लो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। और ये होता है कौन सा समय में बताइए, ये होता है मेनली चाइल्डहुड में, CHILD, चाइल्डहुड में, ठीक है। ये भी बात याद रखना कि ये आपको नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एडल्ट और चाइल्डहुड दे के आपको क्या कर सकता है बताइए,
कंफ्यूज कर सकता है, तो ये बात कभी भी भूलना मत, ठीक है। कि कौन सा कंडीशन में कौन सा समय, अपने एडल्ट कंडीशन में हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म से सफर करेंगे, या मतलब चाइल्डहुड कंडीशन में, छोटा कंडीशन में, बेबी कंडीशन में सफर करेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि चाइल्डहुड कंडीशन में क्या करेंगे, कोई भी पेशेंट पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म से सफर करेगा। और अगर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हुआ तो क्या हो सकता है, इसमें हाइट शॉर्ट हो जाएगा, खाली हाइट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, नॉर्मल हाइट मैं डेवलप नहीं करेगा। बट दे हैव वेल डेवलप्ड बॉडी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या बताया बेटा, ये लोगों को क्या रहता है, हाइट शॉर्ट रहता है, बट दे हैव वेल डेवलप्ड बॉडी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, ठीक है, सेक्सुअल मेच्योरिटी इनको बराबर रहता है। एंड दे हैव ऑल्सो नॉर्मल इंटेलिजेंस, क्या रहता है बताइए, नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल इंटेलिजेंस भी रहता है, ठीक है। इंटेलिजेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्सुअल मैच्योरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली हाइट में क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। किस लिए शॉर्ट होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब देखिए इसका कारण आपको पूछा जा सकता है कि ग्रोथ हार्मोन लो सेक्रेशन भला क्यों होगा किसी का बॉडी में, ठीक है। इसका ये कारण हो सकता है बेटा, ये मैमिलरी बॉडी में हटा रहा हूं, ठीक है, मैमिलरी बॉडी हटा के यहां पर लिख देता हूं मैं मैमिलरी बॉडी, क्योंकि दो मैमिलरी बॉडी। अब देखिए ये जो हाइपोथैलेमस, एक्चुअली हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेशन आता है कि ग्रोथ हार्मोन कितना सेक्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है, इट्स एक्चुअली रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बताइए, हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन माइग्रेट करके कहाँ पर आता है बताइए, ये माइग्रेट करके आ जाता है आपका कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में आके एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, प्रोवोक करता है, ठीक है, स्टिमुलेटेड करता है, क्या रिलीज करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रेशन अगर हाइपोथैलेमस से लो लेवल में हुआ तो यहां पर भी बॉडी में क्या रहेगा, मतलब ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल लो रहेगा, ठीक है। या कोई और पिट्यूटरी डिसफंक्शन में भी क्या हो सकता है बताइए, ग्रोथ हार्मोन का लेवल लो हो सकता है। एंड दिस लो लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। बेटा ये बात समझ में आया क्या। अब बात आते हैं ट्रीटमेंट पे, कि अगर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हुआ और पता चला पेशेंट को या उसका पेरेंट्स को, तो क्या होना चाहिए, इट इज एक्चुअली यू कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, राइट। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन थेरापी दे सकते, मतलब हर दिन उसको एक प्रॉपर डोज में क्या देख सकते, ग्रोथ हार्मोन थेरापी, ग्रोथ हार्मोन थेरापी एवरी डे, ठीक है। और ये जो क्या रहता है बताइए, मोस्ट प्रोबेबली इट हैव नो साइड इफेक्ट। अगर ग्रोथ हार्मोन थेरापी आप देते हैं डॉक्टर का मतलब मेडिकेशन लेके, ठीक है, तो यहां पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, नो साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, ठीक। तो इस तरह से एक पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का हाल हो सकता है, राइट। तो ये बात याद रखना बेटा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये कौन सा समय में अपना मतलब इंसान को इफेक्ट करता है बताइए, चाइल्डहुड में। और ये डिजीज किसके वजह से होता है बताइए, लो सेक्रेशन और नेग्लिजिबल सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन लो सेक्रेशन क्यों होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका रिलीज अगर कम हुआ तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कम हो सकता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी डिसफंक्शन से क्या हो सकता है, ये मतलब ग्रोथ हार्मोन लेवल बॉडी में कम हो सकता है, ठीक है। और एक बात, हाँ बस, दैट्स ऑल अबाउट योर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अब हम एंटर करेंगे नेक्स्ट जो पिट्यूटरी डिसऑर्डर, दैट इज जाइगेंटिज्म या गिगेंटिज्म, राइट। तो बेटा अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पिट्यूटरी जो डिसऑर्डर है जिसका नाम है जाइगेंटिज्म, ठीक है। जाइगेंटिज्म ऐसे भी कोई कोई लोग प्रोनाउंस करते हैं, या कोई लोग गिगेंटिज्म ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं, तो जाइगेंटिज्म बोलना मोस्ट सुइटेबल रहेगा, क्योंकि जाइंट, जाइगेंटिज्म कहाँ से आया, जाइंट, जाइंट से आया। जाइंट मतलब क्या है, बहुत बड़ा, ठीक है, दानव, राक्षस, ठीक है, तो ऐसा कुछ मीनिंग है। तो जाइगेंटिज्म डिजीज इज एसोसिएटेड
आवर ब्यूटिफुल पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन में गड़बड़ कर दिया, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन एक्सेस अमाउंट में कर दिया, तो क्या होता है बताइए? ये क्या मतलब पेशेंट जो है वो डेवलप करता है जाइगेंटिज्म डिजीज। ठीक है, तो ये डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है बताइए? दिस डिजीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेस एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड राइट। तो एक्चुअली ये हमको इन्वेस्टिगेट करना है कि भला पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को एक्सेस प्रोडक्शन क्यों करेगा। ठीक, जब जबकि वो नॉर्मल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है उसका नॉर्मल प्रोडक्शन करेगा तो अपना बॉडी का ग्रोथ क्या रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म एंड एवरीथिंग क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों एक्सेस अमाउंट पे क्या मतलब बताइए ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगा, तो ये भी क्वेश्चन हमको क्या करना है, ये सेशन में इन्वेस्टिगेट करना है। अब देखिए दूसरा बात, और एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, मतलब बच्चों परेशान होता है, ये जो डिजीज है इट इज ओकर इन चाइल्डहुड, CHILD चाइल्डहुड, मतलब जब आप छोटे रहेंगे या कोई भी जो पेशेंट ये जाइगेंटिज्म को डेवलप करा जब छोटा रहेगा तभी ये डिजीज क्या है बताइए हो जाएगा। ठीक है, चाइल्डहुड है तो अर्ली एज, अर्ली एज। ठीक है, तो ये भी बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना याद रखना, दो एमसीक्यू यहां पर हो गया कि व्हाई जाइगेंटिज्म इज ओकर, तो इसका आंसर क्या आएगा द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और दूसरा ये डिजीज कौन सा समय होता है, इट इज ओकर इन चाइल्डहुड और अर्ली एज राइट। तो अब देखते हैं व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर आप तो काफी बार देख चुके हैं, ये क्या है बताइए, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्यूटिफुल थैलामस। ठीक है, ये थैलामस है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, और हाँ यहां पर लिख देता हूं ये थैलामस है, थैलामस। ठीक है, तो थैलामस का बैक साइड में यहां से ये क्या रहेगा बेटा, ये जगह से क्या रहेगा बताइए, आपको ये बात पता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं, ये आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो एरिया है इसको एक्चुअली बोलेंगे हाइपोथैलामस, क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोथैलामस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं हाइपोथैलामस राइट। अब ये हो गया थैलामस, थैलामस के आगे कौन है, हाइपोथैलामस द वेरी वेरी स्पेशलाइज एरिया ऑफ ब्रेन। तो हाइपोथैलामस में यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये हो गया आपका मेमिलरी बॉडी, मेमिलरी बॉडी इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलामस, और यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर रहेगा सोएलोएटेड, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है बताइए, ये भी हाइपोथैलेमस का पार्ट है, इसका नाम है आपका ट्यूबर साइनेरियम। ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, इसका नाम है ट्यूबर साइनेरियम, और इसका नाम है मेमिलरी बॉडी, और ये जो पूरा पार्ट मेमिलरी बॉडी, ट्यूबर साइनेरियम विथ दिस एरिया शीट एरिया इज टोटली कॉल्ड हाइपोथैलेमस राइट। और हाइपोथैलेमस के बीच में से यहाँ पर बताइए ये जगह पे कैनाल दिखाई पड़ता है राइट, यहाँ पर एक्चुअली एक कैनाल है, ये कौन सा कैनाल बेटा, ये कौन सा, एक्चुअली इट इज नॉट ए कैनाल, इट इज ए वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन राइट। तो ये हो गया अपना थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये जगह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोडक्शन भी होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था एक बहुत ही स्पेशलाइज एरिया जहाँ पर हाइपोथैलेमस खत्म होता है, यहाँ पर एक स्पेशलाइज एरिया रहता है जिसका नाम है ऑप्टिक कायाज्मा, CHIASMA। ठीक है, क्लिनिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिक कायाज्मा। ठीक, और ऑप्टिक कायाज्मा में आके क्या होता है बताइए, दो ऑप्टिक नर्व आके मीट करता है राइट, ये दो ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कायाज्मा में आके मीट करा, और यहाँ पर क्या रहेगा ऑब्वियसली योर सेक्सी आई। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ब्यूटिफुल ऑर्गेन दैट इज
योर सेक्सी आई, राइट। हाँ ये हो गया आपका आई, ई वाई ई, ये भी क्या हो गया ई वाई ई आई, राइट। तो आई से ये जो नर्व जा रहा है इसका नाम क्या है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, एनी आर वी ई, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व इस तरह से क्या होता है, ये नीचे से ये कायज्मा बना के एक्सट्रपेट कायज्मा बनाता है, ये वाला नर्व इस तरह से नीचे से क्या होता है, इस तरह से माइग्रेट करता है, इस तरह से माइग्रेट करके एक्चुअली ये जाके लगता है कहाँ पर बताइए, थैलेमस के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है थैलेमस के ऊपर इसका नाम लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये वाला इस ए भी ऑप्टिक नर्व नीचे से आके क्या होता है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअली ये नीचे से आना चाहिए, ठीक है। नीचे से आके ये कनेक्ट होता है कहाँ पर बताइए, ये कनेक्ट होता है एक्चुअली यहाँ पर जो मतलब थैलेमस के ऊपर जो स्पेशलाइज एरिया, इसका नाम क्या है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये भी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये जो एक्सट्रेपेड स्ट्रक्चर जहाँ पर मीट करा, ये जो मीटिंग पॉइंट है एक्सट्रेपेड स्ट्रक्चर का, ठीक है, ऑप्टिक नर्व का, इसको बोलेंगे ऑप्टिक कायज्मा, ठीक है। और ये तो हो गया ऑप्टिक कायज्मा, और ये जो एरिया है टोटल इसको क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस। एंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, दिस इज दिस ग्लैंड is actually called the pituitary gland। आप ये अच्छे तरह से जान गए, ये जो gland है इसका नाम क्या है, pituitary gland, right? ये हो गया आपका pituitary gland, right? ये भी क्या है आपका pituitary gland। तो pituitary gland का दो लोब है, ये हो गया आपका anterior pituitary, ये हो गया आपका posterior pituitary, ठीक है। तो total pituitary gland, अब देखिए क्या होता है actually यहां से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना है बेटा बताइए, इसका वेट है नियर अबाउट ओनली हाफ ए ग्राम, ठीक है। कितना ग्राम पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट है बताइए, ओनली हाफ ग्राम, मतलब हाफ ग्राम वेट है, फिर भी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी का बहुत सारा ग्लैंड और भी प्रेजेंट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा, तो वो बॉडी का सारा ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, खाली ये हाफ ग्राम इसका क्या है, वेट है, ठीक है। फिर भी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बेटा, ये एक अनोखा हार्मोन क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है पोर्टल वेन के थ्रू, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जीएच, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन अगर एक्सेस लेवल पे हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा लेवल पे हो गया, कौन सा कंडीशन में, चाइल्डहुड कंडीशन में, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी का क्या देखा जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगता है चाइल्डहुड कंडीशन में, ठीक। क्योंकि ज्यादा ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का एक नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल में क्या होता है, बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ होता है, पर यहां पर क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सेक्रेशन, एक्सेस सेक्रेशन, ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, मतलब एबनॉर्मली ग्रोथ होने लगा। अब एबनॉर्मल ग्रोथ क्यों होने लगा, ठीक है, और एबनॉर्मली इन्होंने एक्सेस ग्रोथ हार्मोन भी क्यों सेक्रेट करने लगा, तो एक्चुअली क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें क्या हो जाता है, बेनाइन ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, मे बी दिस पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। अगर बेनाइन ट्यूमर डेवलप करने लगा तो ये तो मतलब बड़ा होने लगेगा, तो इसका ओरिजिनल वेट कितना है, हाफ ग्राम, तो ये बड़ा होने लगेगा तो क्या होगा, बड़ा मास जो है, जो एरिया मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एरिया ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, वो एरिया में अगर बेनाइन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, तो वो तो बड़ा होने लगेगा, तो एक्सेस अमाउंट पे क्या होने लगेगा बताइए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगेगा, जो क्या करेगा, बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो उसको बहुत ज्यादा क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, इसमें लार्ज एंड वेल प्रोपोर्शनेटेड बॉडी दिखाई पड़ता है, एंड इट्स लीड्स टू एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ। एक्चुअली ये एबनॉर्मल ग्रोथ क्यों होता है बेटा, क्योंकि अपना बॉडी का जो लॉन्ग बोन है ना, अपना बॉडी का क्या होता है, जो लॉन्ग बोन है, ठीक है, ये मानिए कि कोई भी लॉन्ग बोन हो सकता है, ये
मानिए कि कोई लॉन्ग बोन है, जैसे कि ये हाथ में हो सकता है, ठीक है, पैर में हो सकता है, बॉडी का डिफरेंट जगह जगह पे, तो उसका लॉन्ग बोन का दो एंड पे क्या होता है बताइए, यहाँ पर दो एंड पे, लॉन्ग बोन का दो एंड पे यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ प्लेट होता है। कौन सा प्लेट बेटा? ग्रोथ प्लेट, GROWTH, ग्रोथ प्लेट, PLAT, ग्रोथ प्लेट होता है, जिसके वजह से क्या होता है, मतलब ग्रोथ प्लेट पे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा एक्ट करता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, बोन का साइज अगर बढ़ गया, ग्रोथ प्लेट का बढ़ने से बोन का साइज बढ़ता है, और बोन का साइज बढ़ने से क्या होता है, अपना हाइट बढ़ता है, ठीक है, पर एक्सेस अमाउंट पे ये ग्रोथ हार्मोन ब्लड में रिलीज होने की वजह से ये बोन का साइज कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ गया, तो इसलिए क्या हुआ, बॉडी का एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। तो ये समय पे क्या होता है, जब हमारा प्यूबर्टी एज रहता है, ठीक है, जब हम मतलब अपना यूथ में एंटर करते, प्यूबर्टी जब हम क्रॉस करते, तो उस समय में क्या होता है, ये धीरे 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 जो मतलब ग्रोथ प्लेट है ना, ये ऑसिफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है ऑसिफाइड, ऑसिफाइड मतलब ये टोटली क्या होता है, हार्ड बोन में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड बोन, हार्ड HARD, राइट, हार्ड बोन में ये क्या हो जाता है बताइए, कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड बोन में कौन कन्वर्ट हो जाता है? द सॉफ्ट ग्रोथ प्लेट ऑफ आर बॉडी इज कन्वर्ट इनटू हार्ड बोन, जब क्या होता है, अपना एज बढ़ते जाता है, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर एज के बाद क्या होता है, इसलिए बॉडी का कोई ग्रोथ नहीं होता, पर चाइल्डहुड में क्या होता है, ये जो ग्रोथ प्लेट है ये क्या होता है, हार्ड बोन में मतलब ऑसिफाइड बोन में कन्वर्ट नहीं होता, और उसके ऊपर अगर ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन एक्ट करा तो क्या होता है, बॉडी का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। और क्यों ग्रोथ हार्मोन का इतना सेक्रेशन हो जाएगा बताइए? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग एरिया जो है यहाँ पर से क्या हो जाता है बताइए, बेनाइन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। अब देखिए, ये बेनाइन ट्यूमर अगर हुआ तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या हो जाएगा बताइए, साइज बढ़ जाएगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगर ग्लैंड का अगर साइज बढ़ गया ना बेटा, तो यहां पर ये जो ऑप्टिक कायाज्मा है, मैंने बताया था ना, इट इज क्लिनिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑप्टिक कायाज्मा है, इट्स द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट आवर ऑप्टिक कायाज्मा, ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल ऑप्टिक कायाज्मा इज रिलेटेड टू आवर विजन, ठीक है, तो ऑप्टिक कायाज्मा से ये कौन गया बताइए, ये हो गया ऑप्टिक नर्व, ये भी कौन हो गया, ये भी हो गया ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व जाके ओपन हुआ कहाँ पर, आई पे, और आई जब नॉर्मली काम करेगा तो क्या होगा, हम देख पाएंगे। तो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस ग्रोथ के वजह से क्या हुआ बताइए, ये ऑप्टिक कायाज्मा क्या हुआ, इफेक्ट हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ बताओ, दिस अफेक्शन ऑफ ऑप्टिक कायाज्मा इफेक्ट आवर विजन, क्या करता है बेटा, इट्स इफेक्ट आवर विजन, इफेक्ट आवर विजन, ठीक है, मतलब ठीक से हम देख नहीं पाएंगे अगर जाइगेंटिज्म बहुत मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर ऑप्टिक कायाज्मा को क्या कर दिया बताइए, इफेक्ट कर दिया, ठीक है बेटा। कि देखो, इसके साथ साथ एक और कारण हो सकता है, ये जो मतलब आपका ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीज एक्चुअली करने में मदद कौन करता है बताइए, कौन स्टिमुलेट करता है, यहाँ पर ये एरिया, ये दिट इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक्चुअली हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कौन बताइए, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। तो अगर एक्सेस अमाउंट पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो ये क्या करता है बताइए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करता है, एक्सेस अमाउंट पे क्या करता है बताइए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा सकता है, ये भी और एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट आवर जाइगेंटिज्म, ठीक है, तो ये हुआ आपका होल आइडिया, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो ए लॉट। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में बताइए, नेक्स्ट पिट्यूटरी डिसऑर्डर, दैट इज एक्रोमेगाली, राइट। तो बेटा अभी हम बात कर लेते हैं अबाउट एक्रोमेगाली एंड इट इज द नेक्स्ट पिट्यूटरी डिसऑर्डर, राइट। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन सेक्रेशन में अगर कोई गड़बड़ रहा, अगर हाइपो सेक्रेशन या हाइपर सेक्रेशन, ठीक है, मतलब अगर कोई हार्मोन को लो सेक्रेट कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, और कोई हार्मोन को अगर एक्सेस अमाउंट पे सेक्रेट कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, तो उसी का एक डिजीज, एक प्रॉब्लम क्या है बताइए, द एक्रोमेगाली, राइट। एंड दिस एक्रोमेगाली इज एक्चुअली कॉज बाय एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन,
ठीक है, आफ्टर एडल्ट साइज इज अटेन्ड, ठीक है। तो ये दो जगह पे फोकस करना है बेटा। एक्चुअली ये क्या है, एक्रोमेगाली इज एक्सेस सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा कंडीशन में ये होता है बताइए, आफ्टर एडल्ट साइज इज रिस्ट, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज विद दिस एक्रोमेगाली विद जाइगेंटिज्म, ठीक है। जाइगेंटिज्म क्या होता है, जाइगेंटिज्म में भी क्या होता है, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बट इट इज जाइगेंटिज्म में कहां पर, चाइल्डहुड में होता है, पर एक्रोमेगाली में क्या होता है, यहां पर भी एक्सेस सेक्रेशन होता है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, बट इट इज दिस सेक्रेशन इज ओकर आफ्टर एडल्ट साइज इज रिच। मतलब इंसान जब एडल्ट हो जाता है, ADULT, इंसान जब एडल्ट हो जाता है तभी क्या होता है, एक्रोमेगाली होता है, ठीक है। एडल्ट में एज में क्या होता है, एक्रोमेगाली। अब हमने देखा था कि जाइगेंटिज्म में क्या होता है, मतलब एबनॉर्मल क्या हो जाता है, बेबी का या मतलब प्यूबर्टी एज के पहले क्या हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, बॉडी में उतना स्ट्रेन नहीं रहता। पर एक्रोमेगाली में क्या होता है, इसमें नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है, पर बाद में एडल्ट साइज अटेंड करने के बाद अगर एक्सेस सेक्रेशन होता है किसका, आपका ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होता है आपका एक्रोमेगाली। अब देखते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा ये आप जानते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का स्पेशल पोर्शन, इसका नाम क्या है, थैलामस, थैलामस। अभी तो आप मस्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना बार मैं इसको ड्रॉ किया आपको बताया, तो ये कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए, राइट। ये हो गया आपका थैलामस, राइट। तो दो थैलामस रहता है अपना डाइनसेफलन में, तो थैलामस यहाँ पर ड्रॉ किया। अब यहाँ पर थैलामस का जस्ट बेस में से ये कौन सा ग्लैंड हुआ करता है बेटा, ये होता है आपका हाइपोथैलामस, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोथैलामस, और हाइपोथैलामस का बीच में से ये जो आपका वेंट्रिकल रन हो रहा है, इसका नाम क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पर मतलब प्रोडक्शन भी हो जाता है, राइट। आप देखिए, ये तो हो गया, और इसके नीचे यहाँ पर ये रहता है आपका मतलब हाइपोथैलेमस का एक स्पेशल एरिया, जिसका नाम है आपका कौन सा बताइए, मेमिलरी बॉडी। ये भी और एक मेमिलरी बॉडी यहाँ पर रहता है हाइपोथैलेमस का अनदर पार्ट, दैट इज ट्यूबर साइनेरियम, एंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर मास्टर ग्लैंड, राइट। ये हो गया आपका मास्टर ग्लैंड, राइट, ये मास्टर ग्लैंड है, ठीक। तो ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। ये ओवरऑल क्या हुआ आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। तो यहां से एक्सेस सेक्रेशन किसका होगा बता, बेटा बताइए, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सेक्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का पहली बात तो एक्सेस सेक्रेशन क्यों होगा, देखिए एक्सेस सेक्रेशन इसके वजह से हो सकता है, अगर यहाँ पर ये जो आपका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का एबनॉर्मल ग्रोथ, एब नॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ किसके वजह से हो सकता है, अगर यहाँ पर कोई ट्यूमर हो गया, बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, या कोई और चीज़ों से स्टिमुलेट होके ये अगर हिसाब से ज़्यादा क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हो गया, तो इसके वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल सेक्रेशन हो सकता है किसका बताइए, ये ग्रोथ हार्मोन का। अब देखिए, अब ग्रोथ हार्मोन कब काम करेगा, कहाँ पर काम करेगा, आपको पता है ये ग्रोथ हार्मोन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस मतलब इंक्रीज हो गया, तो ये इफेक्ट करता है कहाँ पर बताइए, ऑप्टिक, ऑप्टिक कायस्मा, CHIASMA, ऑप्टिक कायस्मा को इफेक्ट करता है। और आप अच्छे से जानते हैं ये ऑप्टिक कायस्मा एक्चुअली क्या है, द एक्स क्रॉस एक्स शेपेड स्ट्रक्चर, क्रॉस एक्स शेपेड स्ट्रक्चर, एंड इट्स प्रोवाइडेड द कनेक्शन बिटवीन टू आई, ठीक है, वाया ऑप्टिक नर्व। ये कौन है, ऑप्टिक नर्व, ये भी कौन है, ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस ग्रोथ हो गया, तो ये इफेक्ट करता है किसको बताइए, ये ऑप्टिक कायस्मा को इफेक्ट कर देता है, और ऑप्टिक कायस्मा को अगर इफेक्ट कर देता है, ठीक है, इट्स इफेक्ट आवर विजन। अभी अभी मैंने इसमें बात किया बेटा गिगेंटिज्म में, ये ऑप्टिक कायस्मा अगर क्या हो गया बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस ग्रोथ की वजह से इफेक्ट हो गया, तो इट्स इफेक्ट आवर विजन,
VISION, विजन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है चैंपियन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका आई, EYEI, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ये तो एक क्लिनिकल मतलब वे हो सकता है कि एक्रोमेगाली का, पर जो मेन इंपॉर्टेंस हमको जहां पर मेनली फोकस करना है वो क्या है बताइए, ये एडल्ट साइज अभी अटेन कर चुका है ये जो एक्रोमेगाली जिसमें हुआ, तो इसका क्या हो सकता है ग्रोथ जो है, इसका हाइट जो है वो एक्सेस अमाउंट पे अभी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट किया, ये जो अपना बॉडी का क्या होता है लॉन्ग बोन होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन होता है, तो लॉन्ग बोन के ऊपर क्या होता है अपना ग्रोथ प्लेट होता है, ठीक, कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट होता है, ठीक है, ये हो गया अपना ग्रोथ प्लेट, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया ग्रोथ प्लेट, राइट। तो ये ग्रोथ प्लेट के वजह से क्या होता है, ये अपना ग्रोथ होता है, और ग्रोथ प्लेट के ऊपर कौन सा हार्मोन काम करता है बताइए, ये हार्मोन काम करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। अब यहां पर आप एडल्ट साइज अटेन कर चुके हैं, तो मतलब ग्रोथ प्लेट क्या हो गया, ग्रोथ प्लेट बिकम ऑसिफाइड, क्या हो गया बताइए, ऑसिफाइड हो गया, मतलब कैल्सिफिकेशन हो गया, ये हार्ड हो गया, बोन में कन्वर्ट हो गया, अब आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। तो ये इफेक्ट एक्चुअली कहां पर करेगा, इट्स एक्चुअली इफेक्ट आवर बोन ऑफ फेस, कहां पर इफेक्ट करेगा बेटा, बोन ऑफ फेस, ठीक है, फेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक। तो एक्रोमेगाली जो है ये कहां पर इफेक्ट करेगा, ये लॉन्ग बोन पे तो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या हो चुका है बताइए, ऑसिफिकेशन हो चुका है, हार्ड बोन में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये कहां पर इफेक्ट करेगा, फेस बोन पे इफेक्ट करेगा। दूसरा कहां पर इफेक्ट कर सकता है, बोन ऑफ योर हैंड, बोन ऑफ हैंड एंड बोन ऑफ फीट, बोन ऑफ फिट, ठीक है, ये जगह पे इफेक्ट करेगा। तो हाथ ही सबसे ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसके बाद फीट जो है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर फेस बोन अगर एडल्ट होने के बाद मतलब एक नॉर्मल फेस डेवलप होने के बाद अगर फेस बोन अनवांटेडली क्या होने लगा, बढ़ने लगा, तो फेस कैसा हो जाएगा, मंकी जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिम्टम है किसका बताइए, एक्रोमेगाली का। अब यहाँ पर आपको और थोड़ा सा क्लियरली मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली कैसे ये एक्रोमेगाली क्या करता है बताइए, इफेक्ट करता है, ठीक है बेटा। तो जस्ट मुझे ये बनाने दीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाता है, राइट राइट। ये मैं एक एक्रोमेगाली हुआ ऐसा जस्ट एक फेस यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, राइट। तो हाँ मानिए ये एक्रोमेगाली का पेशेंट है, ठीक है। तो ये इसका फेस लगभग कैसा रह सकता है आपको थोड़ा बताना क्या है जरूरी है, ऐसा है बेटा, ऐसा, ठीक है। तो मानिए कि ये इसका आई है, राइट, ये आई है, और इसका ऐसा इस तरह सा कह रहा है बताइए, इसका ये हो गया नोस, ठीक है, राइट, ये हो गया एक एक्रोमेगाली पेशेंट, ठीक है, चलो ये राइट, ये हो गया एक एक्रोमेगाली पेशेंट, ठीक है। अब देखिए इसका कहाँ कहाँ पर इफेक्ट आया, फेस में, ठीक है, तो ये नॉर्मल फेस जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का, क्योंकि इसका एक्सेस डेवलपमेंट किसका हुआ बताइए, नोज का क्या हो गया बताइए, नोज बिकम लार्ज, ये क्या हो गया बताइए, लार्ज नोज, ठीक, पॉइंट नंबर वन। दूसरा यहां पर देखिए ये जो आईब्रो है ये कैसा हो गया बताइए, ये जो रिज है ये बहुत ही मतलब अनवांटेड ग्रोथ हो गया, प्रोमिनेंट फोरहेड, ठीक है, इसका क्या है बताइए, प्रोमिनेंट फोरहेड, फोर हेड, ठीक, मतलब आईब्रो मतलब कुछ हो, मतलब अजीब सा मतलब ऊंचा हो गया, ठीक है, अनवांटेड ग्रोथ हो गया, क्योंकि इट्स अफेक्ट आवर फेस,
ठीक, ग्रोथ हार्मोन आके फेस पे इफेक्ट किया। दूसरा बात, इसका जो टंग है, ठीक है, देखिए नीचे लोअर लिप जो है, टंग जो है, ये थोड़ा सा इसका भी क्या हो गया, अनवांटेड ग्रोथ हो गया, मतलब एनलार्ज, क्या हो गया बताइए, लार्ज टंग, इनलार्ज टंग, LARG, लार्ज टंग, ठीक है। तो ये सब सिम्टम क्या होता है बताइए। और दूसरा बात क्या है, यहां पर देखिए ये क्या है, प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग ये क्या है बताइए, दैट इज द प्रोजेक्टिंग जॉ, क्या है बता बेटा बताइए, प्रोजेक्टिंग जॉ, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं जॉ, JAW। तो ये जो 5-6 पॉइंट मैंने बताया कि दिस एक्रोमेगली अफेक्ट द बोन ऑफ फेस, बोन ऑफ हैंड, बोन ऑफ फीट, एंड इट्स फेस में क्या क्या इफेक्ट करता है, एक्चुअली इट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमिनेंट फोरहेड, मतलब फोरहेड को मतलब बड़ा ऊंचा कर देता है एक्सेस ग्रोथ के वजह से, बोन का, फेस बोन का। दूसरा नोज जो है, देखिए मतलब कैसा है, बहुत ही बड़ा नोज दिख रहा है यहाँ पर, हाँ लार्ज नोज, उसके बाद द लार्ज टंग एंड लोअर लिप, ठीक है, प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, और दूसरा क्या है, प्रोजेक्टिंग जॉ, लोअर जॉ जो है मतलब लंबा होके नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, दैट इज द होल आइडिया अबाउट द एक्रोमेगाली, ठीक है बेटा। तो ये सारा बातें आप क्या करना है, याद रखना। और एक्रोमेगाली होने की वजह से क्या होता है, ये ट्यूमर हो जाता है, कि इसमें ट्यूमर हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, जिसके वजह से इफेक्ट हो जाता है कौन बताइए, ऑप्टिक काइज्मा, एंड ऑप्टिक काइज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर प्रॉपर पीसफुल विजन। तो ऑप्टिक काइज्मा अगर इफेक्ट हो गया, दैट्स लीड्स टू इफेक्ट कैन दैट्स लीड्स टू इफेक्ट आवर विजन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका एक्रोमेगली। नेक्स्ट और दो डिसऑर्डर है जो मैं शॉर्ट में अभी आपको बात कर दूंगा, जैसे कि एक हो गया कौन सा बताइए आपका, डायबिटिस इंसिपिडस, और एक हो गया साइमॉन्स डिजीज, ठीक है। ये दो डिजीज हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम ये कवर करेंगे, राइट। तो बेटा अभी बात कर लेते पिट्यूटरी डिसऑर्डर में, लास्ट डिसऑर्डर दैट इज डायबिटिस इंसिपिडस एंड साइमॉन्स डिजीज, ठीक है। तो आप जानते हैं पिट्यूटरी रिलेटेड डिसऑर्डर है, और ये आपका ब्यूटीफुल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब पाए जाते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा क्या होता है, ये जो लोब है इसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड देर इज प्रेजेंस ए वेरी स्पेशलाइज एरिया दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलामस, ठीक है बेटा, ये हाइपोथैलामस है। तो हाइपोथैलामस से रिलीज होता है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड ADH, ठीक है। हाइपोथैलामस से क्या होता है रिलीज बताइए, ADH बोल के एक हार्मोन, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में, डायबिटिस इंसिपिडस के बारे में, ठीक है। तो ये ADH कहाँ से रिलीज हुआ बेटा, हाइपोथैलामस से। ये जो एरिया है इसका नाम क्या है, हाइपो थैलामस, ठीक है। और ये जो बाइलोब ग्लैंड है ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से। एंटी डायरेटिक हार्मोन का और एक नाम है, इसका नाम है वैसोप्रेसिन, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक और नाम है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ADH भी बोला जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और वैसो फ्रेसिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहां से रिलीज होके, हाइपोथैलेमस से रिलीज होके माइग्रेट करके आ गया कहां पर बताइए, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, नॉट एंटीरियर पिट्यूटरी, माइग्रेट करके आपका कहां पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके ये रिलीज हो गया आपका ब्लड स्ट्रीम में। ये ADH जो है ये कहां पर आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आ गया, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में आके क्या करेगा, ये एक्चुअली ADH हार्मोन एक्ट ऑन आवर किडनी, कहां पर एक्ट करता है बेटा, ये एक्ट करता है अपना किडनी के ऊपर। तो ये आपको पता है दैट इज आवर ब्यूटीफुल किडनी। तो ADH हार्मोन आके काम करेगा कहां पर बताइए, ये किडनी के ऊपर काम करेगा, ये किडनी है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं किडनी का जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, नेफ्रॉन,
ठीक है। तो एक किडनी में कितना नेफ्रॉन पाए जाते हैं बेटा, नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलियन 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो किडनी का यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, इसी के ऊपर एक्चुअली काम कौन करता है बताइए, आपका ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, ये काम करता है, ठीक है। अब कहां पर काम करता है, कैसे काम करता है और किस वजह से डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, ये मैं यहां पर आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए एक नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया नेफ्रॉन का कौन सा बताइए, बाउमेन कैप्सूल, और बाउमेन कैप्सूल के अंदर यहां पर एंटर होता है एक आर्टरी जिसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल बाउमेन कैप्सूल के अंदर आके बनाता है टफ्ट ऑफ कैपिलरी जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। मैं ये बेटा ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये चैप्टर में ये ऑलरेडी मतलब डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ। और ग्लोमेरुलस से बाहर निकल के कौन जाता है बताइए, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब दूसरा बात, ये जब बाउमेन कैप्सूल छोड़ता है अपना नेफ्रॉन तो यहाँ पर एक हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट फॉर्म करता है, ठीक। ये हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट फॉर्म करता है जिसका नाम होता है, ये वाला जो एरिया है इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है और क्या होता है, नैरो हो जाता है, नैरो होके यू शेपेड स्ट्रक्चर बनाता है, यू शेपेड इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। तो ये जो यू शेपेड स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये जो यू शेपेड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पर फिर से हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट में क्या हो जाता है, बदल जाता है कौन बताइए, नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है। एंड नेक्स्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज अगेन फर्दर ब्रांच इनटू अनदर पोर्शन दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ये जो पार्ट है यहाँ पर इसको बोल देंगे हम कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट और यहाँ से बनता है अपना यूरिन, ये कौन है बताइए, यूरिन, यूरिन बनता है, नॉर्मल प्रोडक्शन यूरिन ये करता है किसके अंदर बताइए, नेफ्रॉन के अंदर। तो नेफ्रॉन के अंदर ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, ग्लोमेरुलस को क्या बोला, ये जो टफ टफ कैपिलरी एफरेंट आर्टेरियोल ने जो बनाया इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ब्लड फिल्टर होके क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल विथ एक्सेस वाटर सोडियम पोटासियम जो भी मतलब टॉक्सिक प्रोडक्ट ये आ जाता है ये जगह पे, ठीक है। ये जगह पे आ जाता है ट्यूबवेल के अंदर आ जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल होके लूप ऑफ हेनली होके फिर ये चला जाता है कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल होके ये आ जाता है एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट। ये कौन है बताइए, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट होके ये अल्टीमेटली यूरिन बन के निकल जाता है। तो इसके अंदर जो ये जो फ्लूइड रहता है नेफ्रॉन के अंदर इसको एक्चुअली बोलते हैं फिल्ट्रेट, FILTRATE, ठीक है, फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट बाद में इस तरह से नेफ्रॉन के अंदर से प्रोसेस होके अल्टीमेटली बनता है यूरिन। तो नॉर्मल प्रोपोर्शन में ऐसे हमारे बॉडी में यूरिन बनता है। अब देखिए, अब अगर नॉर्मल प्रोपोर्शन में यूरिन तब बनेगा जब क्या होगा, अपना बॉडी में ADH जो हार्मोन है, बॉडी का ब्लड में जो ADH मतलब हार्मोन का लेवल रहना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल लेवल अगर ADH मेंटेन करा, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का नॉर्मल लेवल अगर ब्लड में रहा, ठीक है, तो क्या करेगा, नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन होगा, ठीक। अब अगर मानिए कि ये जो ADH हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हो ही नहीं रहा है या बहुत ही नेग्लिजिबल ADH जो क्या है, नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या है बताइए, NegliGIVLE, नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या हो रहा है बताइए, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो रहा है या तो कोई भी ADH हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड में क्या हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्चुअली ये नॉर्मली कौन सा जगह पे काम करता है बताइए, ये नॉर्मली काम करता है किडनी ट्यूब्यूल्स का मतलब नेफ्रॉन का, ये दिस एरिया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है।
और कहाँ पर काम करता है बताइए, और काम करता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो ये जगह पे एंटीडायरेटिक हार्मोन का काम क्या है, ये जो फिल्ट्रेट है टिब्यूल के अंदर, ये फिल्ट्रेट से क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करके कहाँ पर भेज देता है बताइए, ब्लड में भेज देता है। ठीक है, ये दिस एंटीडायरेटिक हार्मोन इंक्रीज एनहेंस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ब्लड, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, दैट्स वाई कॉन्सेंट्रेटेड नॉर्मल यूरिन इज प्रोड्यूस इन साइड आवर बॉडी। ठीक है, अब देखिए ब्लड में नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या आ रहा है बताइए, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन, तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा क्या, नहीं होगा, तो इसके वजह से ना होने के वजह से क्या होगा, ये जो यूरिन है ये कॉन्सेंट्रेटेड तो बनेगा ही नहीं और बहुत ही लार्ज अमाउंट पे क्या बनने लगेगा बताइए, लार्ज क्वांटिटी में क्या बनने लगेगा, यूरिन बनने लगेगा। ठीक है, तो यूरिन ऐसा लार्ज क्वांटिटी में अगर बनने लगेगा तो अपना बॉडी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट, डी हाई ड्रेट, ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाएगा और आपका शरीर में एक्सट्रीम थ्रस्ट रहेगा, एक्सट्रीम थ्रस्ट, आपको बहुत एक्सट्रीमली क्या लगेगा बताइए, पियास लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये किडनी जो है एक्सेस अमाउंट पे क्या कर रहा है बताइए, मतलब यूरिन प्रोडक्शन कर रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इन योर ब्लड। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में भेज ही नहीं रहा है, नो रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये जो डिजीज है इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो बहुमूत्रो भी बोलते हैं, बहुमूत्रो मतलब बार 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 क्या लगता है बताइए, पेशाब लगता है पेशेंट को। ठीक है, तो ये जो डिजीज है इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बताइए, साइमोंड्स डिजीज। ठीक है बेटा, तो ये जो एमसीक्यू आपको कवर किया ये आप याद रखना, और लास्ट सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कौन सा, साइमोंड्स डिजीज, राइट। इसका रिगार्डिंग और एक बात करते बेटा, अगर मानिए मेरा क्वेश्चन है ये, अगर मानिए कि अपना ब्लड में लो लेवल ऑफ एडीएच होने के वजह से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, अगर अपना ब्लड में क्या हुआ हाई लेवल में क्या होने लगेगा बताइए, एडीएच हार्मोन अगर आने लगेगा हाई लेवल में तो आपका बॉडी के साथ क्या होने लगेगा बताइए मुझे, मैं चलो मैं बता ही देता हूं, अगर बॉडी में हाई लेवल क्या रहेगा बताइए, बॉडी में मतलब ब्लड में हाई लेवल एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर रहेगा तो ये क्या करेगा बताइए, एक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, मतलब एक्सेस अमाउंट पे क्या लगेगा, क्या क्या करेगा बताइए, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में भेज देगा और मतलब स्मॉल अमाउंट पे क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा बताइए, एक्सेस लेवल पे डाइल्यूट हो जाएगा, पतला ब्लड बन जाएगा। ठीक है, और जो आपका मतलब बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड मतलब प्लाज्मा जो है यहाँ पर क्या रहेगा, सोडियम का लेवल बहुत ही लो हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट आप याद रखना कि हाई लेवल ऑफ एडीएच, हाई एडीएच, एडीएच इन ब्लड, हाई एडीएच इन ब्लड लीड्स टू एक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, एक्सेसिव ई एक्स सी ई एस एस, एक्सेस एस एस आई वी, एक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ ब्लड एंड एंड वेरी लो कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आप कॉपी में मतलब लिख लेना, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला, साइमंड्स डिजीज। तो बच्चों साइमंड्स डिजीज इज एसोसिएटेड टू आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। तो ये हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ये जो एरिया है स्पेशलाइज एरिया, इसका नाम है हाइपोथैलामस। ये कौन है, हाइपो, हाइपो थैला मास, और ये जो दो लोब है ये दो लोब मिलके क्या बनाए, पिट्यूटरी ग्लैंड, PTUITARI, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो बड़ा लोब है, ठीक है, ये जो बड़ा लोब है इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये रो क्यों रहा है, ठीक है, ये रो इसलिए रहा है क्योंकि ये जो आपका साइमोंड्स डिजीज है इसमें क्या होने वाला है बताइए, ये आपका ये जो पार्ट है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो बड़ा लोब है,
this big lobe of pituitary gland is called anterior pituitary. Anterior pituitary, pituitary, right? और ये जो छोटा लोब है इसका नाम है posterior pituitary, posterior pituitary, pituitary, ठीक। तो ये जो साइमंड्स डिजीज, ये एक्चुअली किसके वजह से मतलब होने वाला है बताइए। ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी इज वीपिंग, राइट, बिकॉज इट बिकम डिजनरेटेड इन साइमंड्स डिजीज, ठीक। तो ये साइमंड डिजीज किसके वजह से होता है बताइए। इट इज द साइमंड डिजीज ओकर ड्यू टू एट्रोफी और डिजनरेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये एक्चुअली धीरे 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 क्या हो जाता है बताइए, ये डिजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी अगर डिजनरेट हो जाता है तो सीवियर प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा हार्मोनल जो मतलब बैलेंस है वो बॉडी का क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, डेवलप होता है, बॉडी डेवलप करता है साइमंड्स डिजीज। साइंटिस्ट साइमंड्स ने ये पहली बार ये करा था, डिस्कवर करा था, इसलिए डिजीज का नाम हुआ साइमंड्स डिजीज, ठीक है। तो इसमें सिम्टम क्या दिखता है बेटा, इट्स इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन ऑफ फेस बिकम ड्राई एंड रिंकल, ठीक है। बूढ़ा लोगों का, बूढ़ा लोग जैसा हो जाएगा, स्किन बहुत ही ड्राई हो जाएगा, कितना भी मॉइस्चराइजर आप मालिश करो, चाहे विवेल मखो या तो मतलब पॉन्ड्स जो भी है, तो स्किन क्या रहेगा बताइए, ड्राई रहेगा और रिंकल, ठीक है, मतलब बैगन जलाया हुआ बैगन जैसा क्या हो जाएगा, ऐसा रिंकल हो जाएगा, ठीक। दूसरा बात क्या हो जाएगा, ये डिजीज में प्री मेच्योर क्या आ जाएगा, एजिंग आ जाएगा, क्योंकि फेस ही अगर रिंकल हो गया, ड्राई हो गया, तो क्या है मतलब प्री मेच्योर एज में भी क्या है, आदमी को बहुत ही बूढ़ा लगेगा, ठीक है बेटा। तो ये बात क्या करना आप याद रखना, जस्ट इट इज अबाउट योर पिट्यूटरी डिसऑर्डर। आई होप यू एंजॉय लॉट एंड इट मेक्स सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।